आबकारी विभाग ने फिर की बड़ी कार्रवाई, 395 पाव अवैध शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 को देखते हुए पन्ना जिले में आबकारी विभाग अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिससे अवैध शराब से जुड़े कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि पन्ना कलेक्टर हरजिंदर सिंह के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी भगवान सिंह परिहार के मार्गदर्शन में आबकारी उप निरीक्षक मुकेश पांडे ने एक महीने के अंदर ही बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी उप निरीक्षक मुकेश पांडे ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखकर पूरे जिले में अवैध शराब के प्रति मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र के समीपवर्ती गांव के कटनी जिले से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। मुखबिरों को सक्रिय करने के बाद पता चला कि सीमावर्ती ग्राम सुंगरा में सुरेंद्र कुशवाहा पिता रतिराम कुशवाहा उम्र 45 वर्ष कटनी जिले से अवैध रूप से शराब लाकर अपनी चाय नाश्ता की दुकान से चोरी छुपे शराब बेचता है। सूचना की पुष्टि होते ही आबकारी टीम ने आरोपी की दुकान पर अचानक दबिश देकर विधिवत तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 7 पेटी 350 पाव देसी शराब, सादा 1 पेटी के 11 पाव गोवा विस्की अंग्रेजी शराब और 34 पाव देसी शराब मसाला, कुल 395 पाव मात्रा 71.1 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की। आरोपी से उक्त शराब के संबंध में कोई परमिट या लाइसेंस मांगा गया तो आरोपी ने किसी भी प्रकार का परमिट या लाइसेंस नहीं पाया गया, जिस पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट पन्ना में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल पन्ना में भेजा गया।